So hey, what is up everyone, this is Harshit, welcome back to a new video. Okay, so Christ के बारे में है, वीडियो काफी लोग पूछ रहे थे, round 3 अभी आ रहा है, जो वीडियो अपलोड है उसके नेक्स्ट डे अभी मतलब कल ही आपका सीवीटी वगैरह फिर इंटरव्यूज वगैरह है एंड भैया एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, क्राई ने राउंड 4 रिलीज कर दिया है। तो वीडियो पूरा बताऊंगा क्या सीन है राउंड 3 का, कैसे लास्ट मिनट टिप्स क्या है, राउंड 4 कब है क्या नहीं, तो एंड तक देखना सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जल्दी स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। गाइज इफ यू वॉन्ट कि आपको मेरे से पर्सनल गाइडेंस वगैरह एक सेशन चाहिए या फिर मैं आपका मॉक इंटरव्यू वगैरह लूँ तो आप एनरोल कर सकते हो मेरे लाइक पर्सनल गाइडेंस सेशन में। कैसे करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा ऑनलाइन स्टोर का, फिर आप इस नंबर पर मैसेज कर दो, मेरी टीम आपसे कोऑर्डिनेट करेगी एंड हमारे एक सेशन स्केड्यूल करवा देगी। तो या ओके, सबसे पहले भैया राउंड 4 भी आ चुका है क्राइज के, बोल रहा था कि आ सकता है क्राइज 5 राउंड भी निकाल दे लास्ट ईयर, 4-5 राउंड तो आएगा ही आएगा। ठीक है, उनकी सीरीज रिमेन रह जाती है, निकालते राउंड। तो यह अपडेट ये है कि राउंड 4 हो रहा है आपका, 15-16 जून को राउंड 4 होने वाले हैं। तो जिनका सिलेक्शन पहले नहीं हुआ, इवन जो राउंड 3 दे रहे हैं उनमें उनका भी राउंड 3 में भी नहीं हो रहा है, तो अप्लाई कर सकते हैं राउंड 4 के लिए। उनको अगर रिस्क नहीं लेना है, एक और बार लेना है, तो कर सकते हो राउंड 4 के लिए अप्लाई। तो यार एक ही चीज है, बाकी राउंड 4 के बारे में और भी एक दो वीडियो बाद में बनाऊंगा मैं। अभी राउंड 3 की बात करते हैं। सबसे पहले कि राउंड 3 का क्या आपको अप्रोच कैसे होना चाहिए, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, क्या लास्ट में टिप्स होंगी वो सब बता देता हूँ। नंबर 1, अब भैया काफी लोग पूछ रहे हैं सीट्स बची है या फिर क्राइज ऐसे पैसे ले रहे हैं वो। देखो कुछ कोर्सेज के लिए एडमिशन क्लोज हो गए तो ऑटोमेटिकली वेबसाइट पे दिखाते हैं, बट जिसके लिए ओपन है ऑब्वियसली उनके लिए सीट्स बची हुई है, समझ लो, तभी नहीं उन्होंने फॉर्म खोले हैं। अब ऐसा हो सकता है काफी लोगों ने पैसे कमाने हैं क्राइज के, वो उनकी सीट्स लिमिटेड होंगी बट उन्होंने तब भी लाइक अपना खोल दिया एडमिशन, थोड़ा बहुत फैक्ट हो सकता है, मुझे इतना डीप में नहीं पता, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सीट्स नहीं बची है। लास्ट ईयर भी लोग राउंड 4 इवन 5 में भी सिलेक्ट हुए थे, मैं पर्सनली जानता हूं, उनसे बात की है। तो आप भी हो सकते हो, आपको एक माइंड सेट से पहले निकाल दो, आपको प्रिपरेशन कुछ करनी भी है, टेस्ट देना, इंटरव्यू देना, सबसे माइंड से निकाल दो सीट नहीं बची, आप नॉर्मल दो कि भैया सीट्स बची है, आपको अपना बेस्ट देना है। सोचोगे कि अब सीट ही नहीं है, ये नहीं है, टफ है कॉम्पिटिशन, ये वो सोच के रखोगे फिर नहीं हो पाएगा, आप अपना बेस्ट दो, बाद में देखा जाएगा जो रिजल्ट आ रहे हैं। देखो आप सीटी दे रहे हो तो उसके लिए जनरल टिप्स है जो मैं बताना चाहूंगा आपको। एक तो आपका टाइम लिमिट होती है, तो अपना प्लीज टाइम लिमिट देख के पेपर अटेम्प्ट करना, एंड आपको कैसे अटेम्प्ट करना है वो बता देता हूँ मैं जल्दी से। देखो सबसे पहले आपको वो क्वेश्चन करने जो आपको शॉर्टली आते हैं, इजी है, वो आप करते जाओ, सॉल्व करते जाओ, हो जाएगा। गाइस आप सेकंड राउंड में जब सॉल्व करने जाओगे आपको वो करना जो आपको बहुत ट्रिकी लग रहे थे, आपको ऐसे कि सॉल्व हो जाएंगे और टाइम लगेगा आपको सेकंड राउंड में वो सॉल्व करने। थर्ड लास्टली आपको वो क्वेश्चन देखने जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहे हैं। देखो तुक्का ज्यादा मत लगाना, तुक्का आप तभी लगाना जब आप एश्योर होगे कि आपको भैया सिलेक्शन होने नहीं वाला, बहुत खराब जा रहा है, तब तुक्के लगाओ, वरना आपको लग रहा है कि आपके लिए थोड़े बहुत अच्छा गया है पेपर, हाफ भी आपके लाइक 120 में से अगर आपके 70+ क्वेश्चन भी राइट हो रहे हैं तो मैं बोलूंगा कि आपको लग रहा है 70+ तो होंगे करेक्ट, तो प्लीज आप ये रिस्क मत लेना तुक्के का, क्योंकि ऑब्वियसली क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट आपको सीवीटी में नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको ऐसा अटेम्प्ट करना है, स्लो में अटेम्प्ट करना, जिससे आपका पेपर इजीली हो जाएगा, इफेक्टिव वे में होगा एंड जल्दी भी हो जाएगा। फिर एक और टिप की ज्यादा आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप बहुत प्लीज नर्वस वगैरह मत हो जाना, चिल होकर देना, पेपर खत्म हो जाए, क्योंकि ऐसा नहीं स्टार्टिंग क्या होता है टफ क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आपको टाइम लग रहा है बट बाद में इजी हो, इसलिए मैंने आपको पूरा फ्लो बताया वैसे सॉल्व करने का। तो प्लीज नर्वस वगैरह मत हो जाना, पहले पूरा पेपर देना उसके बाद देखेंगे। ठीक है भैया पहले पेपर दे दो, टेंशन बाद में ले लेंगे, ठीक है, लेकिन पेपर के टाइम टेंशन लेके क्या फायदा, पेपर के टाइम ले लोगे तो पेपर वैसे ही खराब जाएगा, क्या पता पेपर आपका ठीक चला जाए, जैसा भी तब भी आए तो भैया पेपर खत्म होने दो ना, वो आप जितना भी टाइम है पेपर का उसमें आप कर लो जो आता है आपको बाद में देखा जाएगा। ये हो गया सीयूटी के रिलेटेड, ज्यादा कुछ है नहीं, आपकी यही टिप्स एक दो देनी थी। अब मैं बात करूं भैया इंटरव्यू वगैरह पे आ जाते हैं। इंटरव्यू में अगेन मेरी बहुत सारी वीडियोस इंटरव्यू की, पूरी क्राइस की प्लेलिस्ट है, आप जाके चेकआउट करो, मैंने उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट वाइज, कोर्स वाइज, जनरल क्वेश्चन, क्राइस रिलेटेड क्वेश्चन सब बता रखे इंटरव्यू में, साथ ही साथ एक वीडियो में आंसर वगैरह भी सब बता रखे। तो मैं बोलूंगा आप मेरी सिम्बायोसिस की प्लेलिस्ट प्लस आप मेरी ये वाली प्लेलिस्ट भी देख लो क्राइस्ट की, तो ऑब्वियसली देखना क्योंकि उस सब में इंटरव्यू क्वेश्चन वगैरह काफी सेम रहते हैं, मैंने आंसर वगैरह भी सब बता रखा है, तो प्लीज जाके देखो, अभी डिटेल में आपको पता चल जाएगा कैसा इंटरव्यू होने वाला है, क्या नहीं होने वाले सब कुछ। बोल रहा था आप मेरे साथ मॉक इंटरव्यू भी ले सकते हो जिसमें मैं आपका एनालाइज वगैरह करूंगा हर चीज को एंड आपको बताऊंगा क्या आप और प्रिपेयर कर सकते हैं, वो तो आपको मैं बता दी कैसे एनरोल करना है, इस नंबर पे आपको मैसेज करना है। ठीक है, आपको एक जनरल टिप दूं तो आपको फॉर्मल वगैरह पहन के जाना है, ठीक है, प्रॉपर, एंड फिर अपना जो भी आपको आधार कार्ड वगैरह आईडी प्रूफ वगैरह भी रेडी रखने मांगते हैं, ठीक है, नहीं रखोगे तो वो थोड़ा चिढ़ जाते हैं इंटरव्यू काफी टाइम। फिर आपको जनरल क्वेश्चन जो मैंने बताया वो नॉलेज होनी चाहिए, आप जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके बारे में, क्राइस्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जीके जनरल नॉलेज, करंट अफेयर पूछ सकते हैं, 6-12 मंथ्स का वो पता होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल बजट में क्या हो, इकोनॉमी में क्या चल रहा है, कंट्री में क्या चल रहा है, ये सब नॉर्मल चीज है, बस यही सारी चीजें हैं इंटरव्यू के लिए, ऐसा कुछ है नहीं। फिर माइक्रो प्रेजेंटेशन के लिए अगेन मैंने टिप्स वगैरह बहुत दे रखी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो भी बनाई है, इसलिए बोल रहा हूँ एक बार जाके प्लेलिस्ट पूरी चेकआउट कर लो। तो आपको माइक्रो प्रेजेंटेशन में लाइक आपको कुछ टिप्स जनरल होंगी, जो टाइम लिमिट है 90 सेकंड उस पर टिक करो, उससे ज्यादा मत बोलो, फायदा नहीं है ना, एंड कम भी मत बोलो, बहुत अच्छी, आपने अगर 75 से लेकर 90 सेकंड के बीच में बोला बहुत
परफेक्ट है ठीक है, 90 के बाद वो रोक ही देते हैं इंटरव्यूअर, ज्यादा बोलने नहीं देते हैं। प्लीज टॉपिक जो भी दे रहे हैं आपको अपना पर्सपेक्टिव बताना है उस पर, ठीक है, अपना ओपिनियन बताना है उस टॉपिक को, प्लीज एक्सप्लेन मत कर जाने लग जा, मतलब करने लगना उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, अपना पर्सपेक्टिव बताओ उन्हें इंटरव्यू जानने की आपका क्या उस पर लाइक पर्सपेक्टिव, आप क्या सोचते हो, आपकी थिंकिंग कैसी है। तो यही टिप्स है एमपीए के लिए भी, ऐसे बहुत कुछ नहीं है। एक चीज हर हर जो आपका एमपी हो गया, आपका इंटरव्यू, आपका इंटरेस्ट है कॉन्फिडेंस होके देना, ठीक है, आपको कितना भी अंदर से डर वगैरह हो इंटरव्यू वगैरह के टाइम एमपी टाइम भी दिखाना नहीं है, कॉन्फिडेंस रहना, फट रही है कोई नहीं, बाद में रोना जो भी, पर इंटरव्यू दे रहे हो चिल होके दो, पेपर भी दे रहे हो चिल होके दो, डर लग रहा है नहीं होगा ये नहीं आ रहा है बाद में देखेंगे, आपका जितना बेस्ट हो रहा है वो दे दो, अब हमारा काम है टू गिव बेस्ट, बाकी रिजल्ट देखा जाएगा भैया हुआ तो ठीक है, और बहुत कुछ है ठीक है, और कॉलेजेस हैं और भी ठीक है, लेकिन अपना बेस्ट दो, ऐसा नहीं हो कि आप अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हो टेंशन में आगे, इसलिए नर्वस हो गए, इसलिए कॉन्फिडेंस अपना बनाए रखना, नर्वस मत होना, बाकी मेरी प्लेलिस्ट चेकआउट कर लो क्राइस एमबीए की, आपको इंटरव्यू वगैरह क्या क्वेश्चन सब कुछ आपको मिल जाए, एमपी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वैट के इंपॉर्टेंट सबको मतलब ठीक है, एक से एक मैंने सबको दे रखा है, तो प्लीज डू चेक आउट, से वीडियो ज्यादा लंबी नहीं रखूंगा, इतना ही बताना था, आपके लिए यूजफुल इन्फॉर्मेटिव है तो लाइक कर देना चैनल, देन प्लीज डू सब्सक्राइब, राइट करके अच्छी बुला देता हूँ, कॉलेज कॉलेज एंड कॉलेज ब्लॉग्स वगैरह और भी बहुत कुछ प्लान है, तो ट्रैवल ब्लॉग्स वगैरह फिर स्टडी अब्रॉड का कॉन्टेंट, मतलब तो इतना सब कुछ प्लान है, क्रेजी चीज है, क्योंकि अब मेरा लाइक कॉलेज भी खत्म हुआ है, तो और भी बहुत कुछ प्लान है, एक बहुत बड़ी चीज भी लॉन्च होने वाली है ठीक है अपनी, वो भी आप सबके लाइक रिलेटेड ही है, तो या आपको बहुत जल्दी बताऊंगा मैं, तो यार कुछ भी डॉप को या फिर आप डीएम कर सकते हो, फॉलो करो, जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा, तो बस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो गाइस टिल देन स्टे हैप्पी स्टे सेफ।